हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आलू की सब्ज़ी में सबकी फेवरेट सब्ज़ी है दम आलू की सब्ज़ी। तो चलिए आज बनाते हैं कश्मीरी दम आलू की सब्ज़ी। मैंने इधर आलू को उबाल लिए हैं, उसका छिलका निकाल लिया है। उसको इस तरह से फोक से प्रिक कर दें। इसके बाद मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। मैंने बेबी पोटैटोज लिए हैं जो कश्मीरी दम आलू के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि अब सीज़न में भी हैं। सारे पोटैटोज़ को प्रिक करने के बाद इस तरह से डीप फ्राई करना है। इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही कम मसालों में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने सारे आलू डीप फ्राई करके निकाल लिए। इधर मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने आलू अभी फ्राई किए थे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ छोटा टुकड़ा एक सिनेमन स्टिक का, 2 छोटी इलायची। इसके बाद मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। मैं ऑयल में डाल रही हूँ क्योंकि इससे अच्छा बढ़िया सा कलर आ जाता है। और साथ ही मिर्ची पाउडर डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि मिर्ची पाउडर हमारी जले ना। 1 टीस्पून मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया, अब थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया। इधर मैंने लिया है 1 कप दही। इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फेंट लें। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, नमक, भुना हुआ सौंफ का पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। अब ये दही का मिक्सचर हमें इस ऑयल में डाल देना है। याद रखे कि हाई फ्लेम में ही रखे और इसको चलाते रहे अच्छे से। ये मैंने दही डाल दिया है, इसको अच्छे से चलाते रहे। आंच बिल्कुल भी धीमी नहीं करना है वरना दही फटने लगेगा। अगर आपको लगता है कि दही फट जाएगा तो दही में आप 1 छोटा चम्मच बेसन का मिलाकर मिक्स कर दें। इसके बाद आप इसमें डालें। ये देखिए अब अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी तले हुए पोटैटोस। अब थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, उसके बाद हम दम पे लगा देंगे 5 मिनट के लिए। लीजिए तैयार हो गई हमारी कश्मीरी दम आलू की सब्ज़ी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।